नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपी न्यूज़। आपके साथ में हूं वैशाली वर्मा। सिद्धार्थनगर जिले में भीषण सड़क हादसे में एक की मौत हो गई जबकि 11 अन्य घायल हो गए हैं। घायलों में दो की हालत चिंताजनक बनी हुई है। सभी का इलाज जिला चिकित्सालय में चल रहा है। मामला जोगिया कोतवाली क्षेत्र के ककरही पुल के पास का बताया जा रहा है। बुधवार को करीब 2 बजे ककरही पुल के पास बुलेरो टेम्पो और अर्टिगा कार आपस में भिड़ गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सवारियों से भरी टेम्पो बांसी की तरफ जा रही थी। सामने से आ रही तेज रफ्तार बुलेरो जीप ने पहले टेम्पो में जोरदार टक्कर मारी। जब तक कोई कुछ समझ पाता, बुलेरो सामने से आ रही अर्टिगा कार से भी टकरा गई। इस बीच बुलेरो और अर्टिगा सड़क के नीचे करीब 15 फीट खाई में जा गिरी। आपको बता दें कि तेज आवाज सुनकर स्थानीय लोग घटनास्थल पर दौड़े और पुलिस को सूचना दी। स्थानीय लोगों ने तीनों गाड़ियों में फंसे लोगों को बाहर निकाला और पुलिस की मदद से घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। इस दर्दनाक हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है जबकि 11 अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मृतक व्यक्ति की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। आपको बताते चले कि दुर्घटनाग्रस्त बुलेरो में 2, अर्टिगा कार में 2 और टेम्पो में 8 लोग सवार थे। टेम्पो में सवार 6 लोग एक ही परिवार के थे जो जिले के चेतिया गाँव के निवासी थे और ये परिवार मायके से अपने ससुराल जा रहा था। जी, अभी एक घटना हुई एक्सीडेंट की, जो है जदिया थाने के अंतर्गत की घटना है। इसमें जो है 11 घायल हुए हैं, एक की मृत्यु हुई है। घायलों के उपचार हम लोग जो सुचारू रूप से कर रहे हैं। हमारे सारे स्टाफ जो है जिला अस्पताल के उसमें लगे हुए हैं मैनेज करने में। हम लोग क्या स्थिति, जो घायल हैं उनकी एक दो हैं जिसमें जो है हम लोग बीआरडी के लिए रिफर करेंगे, उसकी स्थिति थोड़ी सी बेहतर नहीं है, बाकी ठीक है। गवाह हूँ, मेरी गाड़ी सामने से जा रही थी, मैं ड्राइवर चला रहा था, उसके सामने एक टेम्पो आई। बुलेरो वाले ने टेम्पो वाले को धक्का मारा, बुलेरो टेम्पो साइड में हो गई और मेरी गाड़ी को आकर ठोका। मेरी गाड़ी पलटी हो गई, मैं जाके खाई में गिरा। मेरा भी थोड़ा नुकसान हुआ है, मेरा एक आदमी एडमिट है। उसके बुलेरो के चक्कर में हमारी पूरी गाड़ी ख़त्म हो गई। टोटल कितने घायल हैं, कितने की मौत? टोटल 6-7 जन घायल है, एडमिट है अभी। मेरा भी 2 आदमी घायल है, एक आदमी का भी सुन रहा हूँ कि मृत्यु हो गई है।